रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक गाजर का गजरेला बना रही हूँ। इसे खीर भी कह सकते हैं आप, गाजर की ऐसे इसे गजरेला कहते हैं। और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये सर्दियों की आमद आमद है, सर्दियों में हमारे घर ये ज़रूर बनता है। तो इसमें क्या क्या अशियाँ इस्तेमाल होती हैं ये मैं आपको बताऊँ। 5 किलो दूध है जो मैंने चूल्हे पर पकाने चढ़ाया हुआ है, पहले भी मैंने उसे पका लिया था, उसकी अच्छी मोटी बलाई जम गई है। उसमें मैं ये 2 किलो गाजर डालूंगी जिसे मैंने छील कर धोकर और कद्दूकश कर लिया है। 2 किलो गाजरें हैं ये, और ये 1 किलो चीनी है। ये चावल है 1 प्याली जिसे मैंने बॉईल करके थोड़ा सा पीस लिया है मोटा मोटा। यह 8 से 10 सब्जी इलायची हैं जिसका मैंने ऊपर का उतार के अंदर के बीजों को मैंने कूट लिया है। ये 1 प्याली मैंने बादाम लिए हैं, इसमें खोपरा भी डलता है, किशमिश भी डलती है, और जितने चाहें आप बादाम पिस्ते डाल लें, इसमें काफ़ी कुछ डलता है। तो मैं इसी में बना रही हूँ और मैं आपको बनाना बताती हूँ आगे क्या करना है। में देखें, मैंने दूध 2-3 घंटे पहले बॉयल कर लिया था, और देखें कितनी मोटी मोटी ये बलाई जम गई। ये भी मैं इसी में डाल दूँगी, मैं इसलिए खोया नहीं डाल रही इसमें। अब ये ज़रा पकता है तो मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ, चूल्हा जला दिया। अब मीठा मैंने इसमें 5 किलो दूध में मैंने और 2 किलो गाजरों में मैंने 1 किलो चीनी डाली है, 1 प्याली चावल डाली है। डालें तो आप मीठा अगर तेज़ खाते हैं तो और मीठा कर लीजिएगा। अब ये हम गाजरें भी इसमें डाल देंगे। अब ये मैंने छीली हैं, आगे पीछे से काटते हैं तो 2 किलो से भी 1.5 किलो रह गई होंगी। इसे पकाएंगे जब तक कि गाजरें अच्छी सी गल ना जाए। और ये अच्छे से पक जाएगा, फिर दूध हम वो चावल हम बाद में डालेंगे। अगर हम अभी ही से चावल डाल देंगे तो वो बार बार नीचे लगता रहता है, इसलिए पहले गाजरें पका लेंगे हम, फिर हम चावल डालेंगे। और चीनी तो अभी हम ये बॉयल अच्छे से आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ही हम चीनी डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा 15 मिनट से गजरेला पक रहा, मैंने इसमें सब्जी इलायची भी डाल दी है, अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। गुना रह जाएगा 5 किलो दूध में से 2 गुना पक जाएगा, कहीं जाके ये तैयार होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने चावल पीस लिए हैं, बिल्कुल ही नहीं पीसे, थोड़े काफी लंबे चावल थे मेरे, मैंने इसलिए पीस लिए, मैंने टोटा चावल नहीं डाले इसमें। अब हम चावल शामिल कर देंगे। 25 मिनट से ये पक रहा है, और अब से आपने चलाते रहना है, मुसलसल ना चलाएं लेकिन इसके करीब ही रहें, वरना ये नीचे से लग जाएगा। 25 मिनट हो गए पकते हुए, तो मैं अब चावल भी डाल दूँगी और चीनी भी डाल दूँगी। डाल देंगे अब, आपको जितना मीठा पसंद है और ज़्यादा पसंद है मीठा खाना तो आप ज़्यादा चढ़ सकते हैं, मैंने तो 1 किलो डाला। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाए क्योंकि अब मैंने चावल भी डाल दिए, तो नीचे से लगने का होता है चावल का, इसलिए अब हमें चलाते रहना। ये देखें बस, अब थोड़ी सी देर रह गई है पकने में, 1 घंटा हो गया। ये साइड है ना, चमचे से इस तरह साफ करते रहे वरना ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी, तो इसका कलर उसका जायका खराब हो जाएगा। तो ये साइड है साफ करने चम्मच, मैं भी करती जा रही हूँ। देखें अब ये पकने के बिल्कुल करीब करीब है, इस तरह
गजरेला तैयार होता है। चम्मच इसमें रखवा रहे हैं, थोड़े से मैं बादाम पिस्ते इसमें डाल देती हूँ और बाकी के गार्निश कर देंगे। हमारा गजरेला तैयार हो गया। अब हम ये जगह जगह सूखा दूध डाल देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने इसमें खोया डाला है। इसकी डेलियां बन जाएंगी और फिर ये ऐसे लगेगा जैसे इसमें मैंने खोया भी डाला है। तो मैं ये 5-7 चम्मच डाल देती हूँ सूखे दूध के ऐसे। इस तरफ डाला मैंने इस तरह। इसमें डेली डेली से बन जाएंगे और ऐसा रहेगा जैसे हमने इसमें खोया भी डाला है। देखिए हमारा तैयार हो गया। चूल्हा बुझा देते हैं। हमारा तैयार ये जब इस कंडीशन में आ जाता है ना ऐसे ये बुलबुले बनना शुरू हो जाता है। पटपट और हाथों पे भी लगते हैं। मान रहे हमारा गजरेला तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों की डिश है ये, घर में सबको बना के खिलाएं और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। गजरेला ज़बरदस्त मज़ेदार बना है। इसका मीठा बिल्कुल सही है। मैंने 1 किलो चीनी डाली थी, नॉर्मल मीठा है। इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे KB फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।